हेलो, आई एम मुनीश शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा। आवर टुडेज टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। स्प्रिंग व्हेन एवर इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड, वी हैव टू डू वर्क ऑन इट। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो वी विल कैलकुलेट दिस एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। Now we will calculate potential energy of a spring. So when we stretch a spring or compress a spring, जब भी हम किसी स्प्रिंग को ना कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो एक फोर्स डिवेलप होती है उसके बीच में, जो कि उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाती लाने की कोशिश करती है। आप बड़े आराम से इसको आपने किया भी होगा या अभी भी कर सकते हो। आप अपने पेन, जैसे स्प्रिंग वाला पेन हो तो स्प्रिंग निकाल के उसको खींच के देखिएगा, तो जैसे आप उसको छोड़ेंगे वो वापिस एक फोर्स होगी जो उसको पीछे ले जाएगी, या उसको दबाएंगे तो एक फोर्स होगी जो वापस उसको नॉर्मल पोजीशन पे ला देगी। तो ये जो फोर्स होती है, दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। सो व्हेन वी स्ट्रेच और कंप्रेस अ स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इनटू इट व्हिच ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। तो यहां पे इसको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को। तो सपोज हमारे पास ये एज है, यहां पे हमने अलग अलग पोजीशन इसके रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम इसको ना नॉर्मल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज दिस इज अ स्प्रिंग इन द नॉर्मल पोजिशन। तो स्प्रिंग इज अटैच टू अ मास एम और ये इसका नॉर्मल पोजिशन है। मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है जीरो। अगर हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग जो ना स्ट्रेच हो जाएगा बच्चों। तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया विद द मास एम, और मास हमने एम पे लगाई थी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स। ये डायरेक्शन है एक्सटर्नल फोर्स का, उसकी वजह से ये नॉर्मल पोजीशन से एक्स दूरी तक आ गया स्प्रिंग। तो ये अब इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स, और उसके बाद इसको हमने किया कंप्रेस। तो कंप्रेस करने में अब इसकी लंबाई छोटी हो गई जो ओरिजिनल लंबाई है उससे। अब ये हो गया इसका ये कंप्रेस्ड पोजीशन। सपोज इसको कंप्रेस भी हमने एक्स डिस्टेंस से किया, अब ये जो नॉर्मल पोजीशन से गैप है, लेट दिस इज एक्स। तो ये तो है बच्चों हमारा डायग्राम हमारी दी गई प्रॉब्लम का। तो जैसे ही हमने ये बेटा एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि एक्सटर्नल फोर्स से ऑपोजिट होती है। अब यहां पे एक्सटर्नल फोर्स जो है ये इनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा रिस्टोरिंग फोर्स, और वो कोशिश करेगा ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन ले ले। जैसे आप इसको एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे, ये वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा स्प्रिंग। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना स्ट्रेच किया या कितना कंप्रेस किया। जैसे अगर एफ है तो ये या तो जैसे यहां पे एक्स पे भी डिपेंड करेगा, यहां पे भी किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे, दोनों केसेस में। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देते हैं। सिंस वी आर सेइंग दैट दिस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये जो भी हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्शन ऑपोजिट है ऑलवेज, मतलब जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेच कर रहे हैं उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसको नॉर्मल पोजीशन पे ला सके, या आप कंप्रेस कर रहे हैं तो उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो वापस अपनी पुरानी लेंथ को अटेन कर ले। अब ये जो इक्वेशन में बदलते हैं इसको, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो इट इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। जैसे ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया के, ये है बच्चों स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ये स्प्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। नाउ
नाउ ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, लेट दिस नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर वन, एंड अलॉन्ग विद दैट वी नो दैट दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिस्टोरिंग फोर्स. जैसा भी अभी हमने बात किया था कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है एक्सटर्नल फोर्स के. तो अवर एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स. अब आप माइनस एफ का सॉरी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे इक्वेशन वन से, तो इट इज माइनस ऑफ माइनस के एक्स, एक्स इज अगेन अ वेक्टर, तो इट इज प्लस के एक्स. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारा इट इज इक्वल टू के इंटू एक्स. नाउ फर्दर वी आर अगेन स्ट्रेच दिस स्प्रिंग थ्रू डिस्टेंस डी एक्स. तो वर्क डन. अब उस डी एक्स डिस्टेंस के लिए जब स्प्रिंग को आपने एक्स के बाद और स्ट्रेच किया, उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ा हम वो लिख लेते हैं. वट इज लेट स्प्रिंग इज फर्दर स्ट्रेच थ्रू द डिस्टेंस डी एक्स, है ना. तो देयरफॉर द वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन का फार्मूला होता है ना एफ डॉट डी एक्स, वो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं. एंड दिस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रही है बेटा. अब देखो ना स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स दिया है तो इसके लिए वर्क डन भी स्मॉल ही होगा. तो डी डब्ल्यू वर्क डन आपको पता है ना एक स्केलर क्वांटिटी है और इट इज एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से या स्केलर प्रोडक्ट से हमें एक हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है. ये बहुत याद रखने वाली बात है बच्चों. एफ डी एक्स कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना, f और dx. अब यहां पे जो f और dx है एक्सटर्नल फोर्स और स्ट्रेच जिस डायरेक्शन में हो रहा है वो सेम डायरेक्शन है बेटा. जब भी दो वेक्टर्स के बीच में सेम डायरेक्शन होता है ना तो उनके बीच में एंगल होता है जीरो डिग्री. तो ये हो गया हमारा f dx cos जीरो. यू विल कीप कैलकुलेटिंग इट. इट इज f इंटू dx इंटू वन, है ना. कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन, तो एफ डी एक्स. अब इसमें आप वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं एफ एक्सटर्नल का. ये थोड़ा मैं मेंशन भी कर देता हूं बेटा, इट इज एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ एक्सटर्नल. तो यहां पे एफ एक्सटर्नल, और अभी अभी हमने एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कैलकुलेट किया बेटा, वो है के एक्स. तो इट इज के एक्स इंटू डी एक्स. तो दिस इज डी डब्ल्यू. अभी वर्कडन कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, इसलिए दिस इज एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल. इट इज एफ एक्सटर्नल. तो क्योंकि कॉस जीरो बोलता है बच्चों बन होता है, तो इट इज एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स. अब साथ साथ में हम एफ एक्सटर्नल का वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेट किया दैट इज के एक्स वो रिप्लेस कर देते हैं. तो इट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स. तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू डी डब्ल्यू का. तो अगर हमने बेटा टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम पहले पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन. तो छोटी क्वांटिटी से जब हमें टोटल क्वांटिटी निकालना होता है उसको करना पड़ता है इंटीग्रेट. और ये आपको वैसे तो प्लस टू में पढ़ते हैं आप, प्लस वन में इसीलिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स में ये टॉपिक कराए गए हैं. तो कैसे करते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कहां से करना है, तो इसको करना बेटा इंटीग्रेट जीरो से लेके एक्स तक. और इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक फार्मूला मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो फार्मूला है क्या, जैसे आपने एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आप इसको लिखते हो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन. वेरी सिंपल, याद रखना बच्चों. अब यहां पे हमने वर्क डन करना है टोटल कैलकुलेट, तो आइए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो अब इंटीग्रेट कर देते हैं इस इक्वेशन को टोटल वर्क डन के लिए. दिस इज डी डब्ल्यू अवर, दिस इज अवर डी डब्ल्यू, एंड लेट्स कैलकुलेट. सो डब्ल्यू इज कैन बी कैलकुलेटेड एज कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग. इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा लिमिट लगा के जीरो से लेके एक्स तक, क्योंकि स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं हम जीरो से लेके एक्स तक. तो डी डब्ल्यू का वैल्यू डाल दिया यहां पे, इट इज के एक्स डी एक्स. सिंस के इज कॉन्स्टेंट इट इज रिटन आउटसाइड. तो इट इज इक्वल टू के इंटू एक्स जीरो टू एक्स डी एक्स.
जैसा अभी मैंने बोला बच्चों, फार्मूला एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, बच्चों यहां पे एक्स का पावर कुछ नहीं लिख रखा है, इसका मतलब उसका पावर है वन। तो यहां पे मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसका पावर हो गया बेटा वन प्लस वन, और डिवाइडेड बाय एन प्लस वन होता है ना, तो वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, और लिमिट जो लगाते हैं ना वो ऐसे लिख देते हैं जीरो टू एक्स, दैट्स इट। अगर आपने पहले नहीं भी सीखा है या भूल गए हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं बच्चे, वन प्लस वन टू ना पावर डिवाइडेड बाय टू जीरो टू एक्स। और जब भी बेटा लिमिट वाला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो ना, तो उसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट जो ऊपर लिखते हैं ना उसको, जैसे यहां पे ये एक्स अपर लिमिट और ये जीरो क्या है, लोअर लिमिट। तो यहां पे क्या करते हैं कि आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे एक्स को एक्स से रिप्लेस करना तो नेचुरल वही रहेगा, एक्स को एक्स से रिप्लेस किया तो इट इज एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, फिर आपने वैल्यू डालनी है जीरो, लोअर लिमिट। तो एक्स जीरो, एक्स का वैल्यू डाला तो जीरो बन गया, जीरो डिवाइड बाय समथिंग आल्सो जीरो, तो ये बन गया। और किसी चीज में से अगर आप जीरो माइनस कर रहे हैं अगेन बेटा वो वही रहेगा, तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन W का। सो W इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय टू, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वन बाय टू के एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक हमने टर्म पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी में अपने लास्ट वीडियो में, कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन किया जाए वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे आपने कोई ईंट या स्टोन को उठाया, जितनी हाइट तक लेके उसको उठाने के लिए जो वर्क डन किया उतनी ही उसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सेम इज द केस फॉर द स्ट्रेच स्प्रिंग, तो स्ट्रेच स्प्रिंग में भी उतना जो है उसका क्या आ गया। सो इन दिस केस ऑल्सो दिस वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड एज द इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को बेटा यू से हम डिनोट करते हैं आमतौर पर। तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज गिवन बाय वर्क डन ऑन द बॉडी, दैट इज वन बाय टू के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेस स्प्रिंग। सो दिस इज एनर्जी, और स्पेसिफिकली बेटा पोटेंशियल एनर्जी है ये, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग।